स्कोरबोर्ड देखा जाए एक रन, दो गेंदे बिना कोई नुकसान। संतोष राउत ऑन स्ट्राइक, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, अब फील्ड को चेंज करते हुए, क्योंकि ये बैट्समैन का जो पिछला मैच था, पिछले दोनों मैच लाजवाब रहे हैं। मैच नंबर 10, नीलेश बॉलिंग मार्क पर, संतोष राउत के लिए अब राइट आर्म राउंड स्टंप आए हैं। संतोष राउत की ये बल्ले से बिल्कुल किनारा लगकर ये गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन में। सिंगल के लिए जाती हुई ये गेंद। तीन गेंदे हो चुकी है, दो रन है स्कोरबोर्ड। सागर अगान, अगर गेंदबाज नीलेश विकेट लेते हैं तो अनिल जी खाड़े इनकी तरफ से 100 रुपए का कैश प्राइज है। इस मरतबा फुल टॉस, गेंद वहां पर मौका, क्या बढ़िया कैच, व्हाट ए कैच, बहुत जबरदस्त कैच, एक बड़ा विकेट। पहली ओवर मैंडेटरी पावर प्ले की पहली ओवर, नीलेश को सफलता मिलती हुई चौथी गेंद पर। चार गेंदे हो चुकी है, दो रन स्कोरबोर्ड, एक विकेट के नुकसान पर। न्यू बैटर इन एट नंबर 3 रोतिक। ₹100 का इनाम पाया है गेंदबाज नीलेश ने, हर एक विकेट के लिए ₹100 का इनाम है। फिलहाल स्ट्राइक पर न्यू बैटर इन एट नंबर 3 रोतिक। ये बल्लेबाजी में गहराई है रोथिक। इस मरतबा उछाल दिया गेंद और नीचे फील्डर, एक और एक झटका, बढ़िया कैच, जस्ट मनाते हुए सीनियर 11 का सारा। लगातार दूसरा झटका रोथिक, यहां से आउट होंगे। थैंक यू डीजे। यहां से 5 गेंदे हो चुकी है, इस ओवर की आखिरी गेंद है। बड़ा मुकाबला, शेर और सवा शेरों की लड़ाई, एक गांव से दो टीमें बिलोंग करती है, और क्या मुकाबला हो रहा है, क्या शोर है, बाहर दर्शक भी अंदर फील्डर भी। ओहो, इस बार स्लॉग करना चाहते थे, क्या गेंदबाजी और बड़ा विकेट। स्वप्निल बैक टू द डगआउट, ये हैट्रिक, बड़ा विकेट, क्या गेंदबाजी। एक ओवर का खेल समाप्त हुआ, दो रन और 3 विकेट। धर्मवीर कसारा, न्यू बैटर अनिकेत, गेंदबाजी ट्रैक पर रमेश आए हैं। पहली ओवर लाजवाब ओवर, पावर प्ले में पावरफुल गेंदबाजी। पहली ओवर में 3 बड़े झटके, लेकिन उम्मीदें जिंदा है जब तक
ये बल्लेबाज संतोष राउत बीच मैदान पे है। क्या मुकाबला चलता हुआ, दर्शक काफी गौर से इस मुकाबले की तरफ देखते हुए। ये कांटों की टक्कर है, कसारा की सरजमी पर दो टीमें जो कसारा से बिलोंग करती हुई। रमेश की पहली गेंद इस मर्तबा, ओहो बढ़िया गेंद, बिल्कुल जड़ में ये गेंद थी। सिर्फ सिंगल मिलेगी, इसी सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 3 रन। अब न्यू बैटर अनिकेत, रमेश अब फील्ड को सजाते हुए, क्योंकि ये बल्लेबाजी में गहराई है। आखिर तक इस टीम में बल्लेबाज है धर्मवीर कसारा। क्या मुकाबला चलता हुआ, एक गेंद हो चुकी है, पहली गेंद पर सिंगल आई है अनिकेत, पहली गेंद खेलेंगे। और ओवर की दूसरी गेंद, रमेश राइट आर्म राउंड स्टंप, फिरकी का जादूगर रमेश। इस मर्तबा गेंद आसमान में है, फील्डर पीछा किया जा रहा है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। कवर से आए थे, काफी अच्छी फील्डिंग। बड़ा मुकाबला है, इतिहास के पन्नों पर आप अपने टीम का नाम लिखना चाहते हो, अपने गांव का नाम लिखना चाहते हो, तो इस तरह की फील्डिंग करना, जान जाए पर शान न जाए, जरूरी है। संतोष राउत ऑन स्ट्राइक, इस मर्तबा ऑफ स्टंप के काफी बाहर। यही कोशिश रही है कि संतोष के खिलाफ लगातार गेंदे ऑफ स्टंप पर रखा जाए, ऑफ स्टंप के बाहर रखी जाए। वाइड प्लस डिक्लेयर, यानी कुल 2 रन, स्कोरबोर्ड देखा जाए 6 रन। 3 बड़े झटके लग चुके हैं धर्मवीर कसारा को। ओवर की अगली गेंद, रमेश राइट आर्म राउंड द विकेट संतोष राउत के लिए। इस मर्तबा खींचकर मारा है, गेंद को हवाई सफर के लिए भेजा है 6 रन के लिए, एक गगनचुंबी छे मैग्नेट। ड्रॉप सीन का हीरो है, अगर सागर आगान ना चले तो इनको चलना ही है। क्या जबरदस्त स्ट्रोक था, हाई एंड हैंडसम। रमेश की अगली गेंद, फिर से एक बार छड़ में ये गेंद थी, नजाकत भरा ये स्ट्रोक है, बिल्कुल हल्के हाथों से खेला था। दूसरी की कोशिश और 2 रन आसानी से बनेंगे। स्ट्राइक को अपने पास रखना चाहते हैं संतोष राउत, ये हार्ड हीटर है धर्मवीर कसारे का। ओ माय गॉड, क्या बल्लेबाजी है, देखने लायक बल्लेबाजी है ये। संतोष राउत ऑन स्ट्राइक, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, सामना करेंगे रमेश का। ओहो इस मर्तबा क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेग बाई के रूप से बिल्कुल पैरों पर लग के जाती हुई है डिक्ले जोन में। गेंदे हो चुकी है, 5 गेंदे हो चुकी है इस ओवर की, 1 गेंद शेष है, आखिरी ओवर, आखिरी गेंद और 2 ओवर आने बाकी है। संतोष राउत पैक क्राउड सुपर सैटरडे में, इस श्रृंखला का पहला दिन, पहला और इस मर्तबा हल्के हाथों से खेला है कवर में। इस गेंद को अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं संतोष राउत, ली सिर्फ सिंगल, इसी सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 2 ओवर के बाद धर्मवीर कसारे का 16 रन। क्या मुकाबला चलता हुआ, पहली ओवर 3 रन आने के बाद इस ओवर में कुल 13 रन आए हैं। सॉरी, पहली ओवर में 2 रन आए थे और इस ओवर में 14 रन आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड होती हुई इन दोनों के बीच। जितनी ज्यादा स्ट्राइक
जितनी ज्यादा गेंदे संतोष राउत खेले उतनी टीम के लिए अच्छा है। अब गेंदबाजी ट्रैक पर पप्पू साखरे एक अच्छे अनुभवी खिलाड़ी है, हर एक विकेट के लिए इनके लिए भी 100 रुपए का इनाम है अनिल जी खाड़े साहब इनकी तरफ से। इनामात की बरसात होती हुई क्योंकि बीच मैदान पर एक हाई वोल्टेज मुकाबला, एक बड़ा मुकाबला। पहली गेंद पप्पू साखरे, ओ इस मर्तबा गेंद को सामने की ओर खेला है, गेंद ट्रैवल होती हुई वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी पहुंचे। सॉरी कॉ कॉर्नर के खिलाड़ी पहुंचे थे, ली गई है 2 रन। इसी 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड 18 रन। पहली गेंद पर 2 रन आया है। फिरकी के जादूगर पप्पू साखरे ऑन अ बॉलिंग मार्क। दूसरी गेंद के लिए संतोष राउत, इस मर्तबा उछाल दिया, क्या करारा स्ट्रोक है, गेंद जाती भी डीप स्क्वायर लेग बॉडी लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इस गेंद को रोक सकते थे फील्डर अगर आगे आते तो। यही है संतोष राउत जबरदस्त फॉर्म में। पप्पू साखरे अगली गेंद, तीसरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, लेफ्ट हैंडेड संतोष राउत ऑन स्ट्राइक। ओहो इस मर्तबा बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल यॉर्कर, बाल बाल बचे हैं, बिल्कुल स्टंप्स के बहुत करीब से ये गेंद गुजरी है। इस मैच की तरफ देखा जाए तो हर एक गेंद पर जहां डॉट आए तो गेंदबाज जश्न मना रहे और जहां 6 आए तो बल्लेबाज जश्न मना रहे और दर्शक भी काफी खुश क्योंकि ये मुकाबला ये काटू की टक्कर है। पप्पू साखरे और की चौथी गेंद, इस मुकदम ओहो हवाई सफर, गेंद बहुत दूर से लानी पड़ेगी, स्टैंड एंड डिलीवर 6 रन। जबरदस्त मुकाबला पप्पू साखरे और की पांचवी गेंद, परेशान रहेंगे क्योंकि इस बल्लेबाज का फॉर्म कुछ अलग ही कहता हुआ, अच्छी गेंदों पर भी बड़े बड़े हिट आ रहे हैं। पांचवी गेंद पप्पू साखरे संतोष राउत के लिए। ओ इस बार डंडी गुल, एक बड़ा छटका, एक बड़ी मछली जाल में संतोष राउत बैक टू द पवेलियन। पप्पू साखरे और की अगली गेंद, फिरकी का जादूगर
राइट एम ओवर द विकेट, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अजय। ओहो, इस मर्तबा लेक्षम के काफी बाहर है ये गेंद, बिल्कुल छोड़ा इस गेंद को, अंपायर का इशारा आया वाइट, इसी वाइट के साथ स्कोरबोर्ड 29 रन 29। आदरणीय सम्माननीय मुकेश भाई भगवान भगवान ने अभी अभी जुड़े हुए, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ओहो, उनके स्वागत में ये गेंद बिल्कुल यॉर्कर, आएगी सिर्फ सिंगल। अब तीन ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ, आफ्टर थ्री ओवर स्कोर 30 रन, लॉस ऑफ फोर विकेट। धर्मवीर कसारा, ये आखिरी ओवर है, डेड ओवर में आए हैं, पहली गेंद। ओहो, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बॉल, पहली गेंद डॉट आया। अब इस मैच की तरफ देखा जाए ना, पहली ओवर में नीलेश की ओवर में दो रन आए थे, वहां तीन विकेट थी, और दूसरी ओवर में 14 रन आए, फिर तीसरी ओवर में 14 रन आए हैं, और ये ओवर चलती हुई। ओहो, इस मरतबा गेंद को उछाल दिया था, वहां पर फील्डर है और किए गलती, गेंद जाएगी डिप्स की ओर, लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन के लिए। इंसान कहते हैं, इंसान की हर एक गलती को माफ करे उसे भगवान कहते हैं, बार बार गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं, और पाकिस्तान की हर एक गलती को माफ करे उसे हमारा देश हिंदुस्तान कहते हैं। क्या मुकाबला चलता हुआ, कांटों की टक्कर, आखिरी मुकाबला, मैच नंबर 10 इसके बाद में आने वाला है, और एक बड़ी जंग। दो गेंदें हो चुकी है, दूसरी गेंद पर ये चार आया, क्या गेंदबाजी, पहली ओवर थी नीलेश की, फिर उसके बाद लगातार घनाघाती प्रहार, और अब ये डेट ओवर में, ये आखिरी ओवर में गेंदबाज सुनील, उनकी दूसरी गेंद पर ये चार रन आए हैं, फिर से अजय तैयार होंगे सुनील की गेंद के लिए। ओहो, इस मरतबा फाइट योर करता, पर गेंद को उड़ाया, यहां से फील्डर से गलती होती हुई, दो रन आसानी से पूरे होंगे, इसी दो रन के साथ स्कोर 36 रन, एक बड़ा मुकाबला, जबरदस्त शुरुआत इस पहली इनिंग में, लगातार तीन विकेट जाने के बाद कि ये मुकाबला कहीं दब जाएगा, स्कोर नहीं हो सकता, पर संतोष राउत की वो बल्लेबाजी, और अब ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड, अंपायर का इशारा आया, एक रन से इजाफा होगा स्कोरबोर्ड में 37। तीन गेंदें हो चुकी, ओहो बिल्कुल जड़ में ये गेंद थी, और सिंगल मिली। एक सेंसिबल क्रिकेट चलता हुआ बीच मैदान पर, सुनील ओवर की पांचवी गेंद, अब स्ट्राइक पर है अनिकेत, एक बड़ा मुकाबला,
एक बड़ी जंग, और इस टूर्नामेंट में एक सबसे हटके मैन ऑफ द सीरीज के लिए ये चमचमाती हुई बाइक है। ये जो टीमें लड़ रही है ये अपनी गांव की मान सम्मान अस्मिता रखने के लिए खेल रही है। और मैन ऑफ द सीरीज के लिस्ट में मैं फिर से एक बार एक नाम लेना चाहूंगा, संतोष राउत। बोल बाला राय इस बार उछाल दिया, गेंद हवाई सफर करती हुई, गेंद जाएगी मिड विकेट के ऊपर से, एक छह रन। और की आखिरी गेंद, स्कोरबोर्ड 44, 44 रन। इस इनिंग की आखिरी गेंद, स्ट्राइक पर अनिकेत। ओहो, बल्ले का एज लगा था, गेंद डिक्ले जोन में जाती हुई विकेट कीपर के सर के ऊपर से सिंगल। सचिन दिगे कसारा ने आने वाला मुकाबला होगा नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए। हम चलते एकता कसारा और उनको फाइट करेगी विलुक टीम। दोनों टीमों के कप्तानों को टॉस बॉक्स में ज्वाइन होना है इमीडिएटली। दोनों कप्तानों को जुड़ जाना है। और इस मैच का अभी जो ऑनलाइन दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं उनकी एक जानकारी के लिए, ये मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है धर्मवीर कसारा और सीनियर 11 कसारा। एक काटू की टक्कर, टॉस को जीता था सीनियर 11 कसारा ने और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था धर्मवीर कसारा को। पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल स्कोर अपने निर्धारित 4 ओवरों में स्कोर बनाए हैं 45 रन, और आगे 46 रनों की जरूरत रहेगी। 46 रनों की चुनौती रखी है सीनियर कसारा 11 के सामने। बस कुछ ही देर में 2 ओपनर्स, जल्द से जल्द फील्ड को सजाना है, प्लीज समय में कॉपरेट करें। आने वाला मुकाबला भी बहुत जबरदस्त है, एकता कसारा और उनके सामने फाइट करेगी वेलुक टीम। दोनों टीमों के कप्तानों को टॉस बॉक्स से इमीडिएटली जुड़ जाना है टॉस के लिए। ये लास्ट कॉल रहेगा एकता कसारा और वेलुक टीम, दोनों टीमों के कप्तानों को टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। फिलहाल इस दूसरी इनिंग में चलेंगे हम। 46 रनों का पीछा करते हुए सीनियर 11 कसारा दिखेगी, वो बल्लेबाजी में भी काफी गहराई है। एक पहलू तो हम देख लिए हैं, अब दूसरा पहलू देखना जरूरी है, रिजल्ट क्या आएगा कुछ कह नहीं सकते। आखिरी गेंद तक ये मुकाबला जाएगा इसमें कोई शक नहीं। एकता कसारा टीम के कप्तान आपने इमीडिएटली टॉस बॉक्स से जुड़ना है, वेलुक टीम के कप्तान हमसे जुड़ चुके हैं। नितिन जी कुंदे विजय आ चुके हैं, एकता कसारा टीम के कैप्टन। और पिंटू फाकटकर, इनके मुबारक हाथों से इस नेक्स्ट मैच का टॉस किया जाएगा। कैमरामैन इस मंजर को कैच करना है। दोनों टीमों के कप्तान तो बल्लेबाज टू ओपनर्स इन द ग्राउंड। ओहो, ये मुकाबला भी बहुत कड़ा है। देखो अब बल्लेबाजी में दूसरे टीम में भी बहुत गहराई है। सीनियर 11 कसारा संदीप और नीलेश की ये जोड़ी है, 46 रनों का पीछा करते हुए ये
नजर आएगी ये जोड़ी। पारी की शुरुआत करते हुए नीलेश और संदीप, और गेंदबाजी ट्रैक पर गेंदबाज मैडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर। द वंडर बॉय ऑफ कसारा सागर अगान राइट आर्म राउंड द विकेट से स्ट्राइक पर संदीप। पहली गेंद ओ हो बिल्कुल फुल लेंथ की ये गेंद थी। क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे पर गेंद की गति कहीं ज्यादा थी। बीट होते हुए बल्लेबाज संदीप पहली गेंद डॉट आई है 46 रनों का पीछा करते हुए। पहली गेंद डॉट मैडेटी पावर प्ले का ये पहला ओवर। अगर फील्ड को सजाया जाए देखा जाए तो इच्छा खबर में खिलाड़ी है। ओहो यहां पर मौका बन सकता था, इश लगी थी और गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन में सिंगल के लिए। खाता खुलता हुआ सीनियर 11 कसारा का यही सिंगल के साथ। दो गेंदे एक रन बिना कोई नुकसान 46 रनों का पीछा करते हुए सीनियर 11 कसारा। गेंदबाजी ट्रैक पर सागर अगान फिर से एक बार तैयार होंगे पर अब स्ट्राइक पर नीलेश राइट हैंडेड बैट्समैन। ओहो इस बार उछाल दिया है गेंद को, गेंद काफी देर हवा में थी और गेंद का पीछा किया जा रहा है। गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। चार रन आए पिछली गेंद पर सागर अगान। इस मर्तबा लोअर फुल टॉस एक करारा स्ट्रोक क्रैकिंग स्ट्रोक और गेंद को वहां पर काउ कॉर्नर में फील्डर थे अच्छी तरीके से रोका। बनी सिर्फ सिंगल स्ट्राइक पर संदीप। आए हुए सभी मेहमानों का सभी दर्शकों का सभी का वेलकम सभी का आभार सभी का स्वागत। सागर अगन की ये पहली अगली गेंद थी। ओहो गुडलिंग पर ये गेंद थी बिल्कुल बीट करते हुए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी पावरफुल पावर प्ले में पावरफुल गेंदबाजी। अगली गेंद सागर अगान राइट आर्म ऑफ द विकेट। ओहो इस मर्तबा फिर से एक बार बल्ला तो बहुत जोरों से घुमाया था पर बल्ले और गेंद का कोई कनेक्शन नहीं। एक ओवर की समाप्ति होती हुई एक ओवर के बाद स्कोर 6 रन 6 गेंदों का खेल समाप्त हुआ और स्कोर 6 रन। अब बची हुई 18 गेंदे और 40 रनों की जरूरत। अगर पहली इनिंग देखा जाए तो नीलेश की वो गेंदबाजी थी जहां 3 महत्वपूर्ण विकेट गए थे और रन सिर्फ 2 रन बने थे। फिर भी ये टारगेट तक संतोष राउत ने पहुंचाया था धर्मवीर कसारा को 46 रन। और इस ओवर में आए हैं 6 रन सागर अगान की ये पहली ओवर मैडेटरी पावर प्ले का ये पहला ओवर। और एक प्लस पॉइंट की अभी तक दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर है संदीप और नीलेश की जोड़ी। पहली गेंद गेंदबाज अनिकेत। 18 गेंदे और 40 रनों की जरूरत 6 रन बन चुके हैं पहली ओवर के बाद। पहली गेंद अनिकेत राइट आर्म राउंड स्टंप। ओहो इस मर्तबा बहुत अच्छी गेंद बहुत अच्छी गेंद। टप्पा गिनने के बाद रुख चेंज किया और नीचे रही थी ये गेंद बिल्कुल डॉट आई है पहली गेंद। अब हौसला अफजाई होगी गेंदबाज की। खासियत है कि टप्पा अच्छा रहा है दोनों ही गेंदबाज का सागर अगान और अनिकेत का। और की अगली गेंद इस मर्तबा एक क्रैकिंग स्ट्रोक था और बाल बाल बचे हैं नीलेश
सिंगल आएगी। इसी सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड सरकता जा पहुंचा है 7 रन, 2 गेंदे हो चुकी है। दूसरी ओवर 2 गेंदे। अब सागर अगान गेंदबाज के एक मंत्र देने के लिए आते हुए, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी हो रही है, उनको पता है इनके साथ काफी वक्त गुजारा है, प्रैक्टिस इनके साथ ही चलती है, तो यहाँ से संदीप को कहाँ रखनी है गेंद, क्योंकि इनके बल्ले से जब गेंदें निकलती है तो सीधा मैदान के बाहर जाती है। अगली गेंद अनिकेत, इस मरतबा बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद काफी नीचे रह रही है। यहां से प्रेशर क्रिएट होगा सीनियर 11 कसारा और संदीप के खांदों पर। और की अगली गेंद अनिकेत, राइट हम राउंड स्टम्प, इस बार फुल टॉस गेंद थी, उछाल दिया काफी देर, ये गेंद हवा में थी वहां पर, ओहो बहुत अच्छा रोका है, लॉन्ग ऑन पे जो लॉन्ग ऑफ पे जो खिलाड़ी थे उन्होंने ये इस गेंद को रोका है। और एक गजब का थ्रो, तेज थ्रो, अंपायर से सवाल पूछा है पर अंपायर यहां सहमत नहीं, सेफ जोन में है नीलेश। स्कोरबोर्ड देखा जाए 7 रन। ये क्या गलती कर बैठे हैं बल्लेबाज, संदीप को लगा था ये गेंद 4 के लिए जाएगी पर लाजवाब इस गेंद को रोका। लॉन्ग ऑफ में जो खिलाड़ी है बहुत तेज तरार, और थ्रो भी देखा जाए गेंद पकड़ने के बाद तुरंत कुछ ही सेकंड के अंदर, सेकंड भी नहीं लगा वो गेंद वहां तक पहुंची है। संदीप ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी ट्रैक पर, अनिकेत राइट आर्म राउंड स्टंप, ओहो इस मरतबा उछाल उछाल भरी गेंद थी, कीपर से ये छोटी सी गलती हुई, उस गलती के चलते ये गेंद डिक्लेयर जोन में जाएगी। 8 रन स्कोरबोर्ड। पांच गेंदें हो चुकी है और इस ओवर की ये आखिरी गेंद, एक गेंद शेष है। तैयार होते हुए अनिकेत, स्ट्राइक पर संदीप। इस ओवर में देखा जाए तो सिर्फ 2 रन आए हैं। अनिकेत की आखिरी गेंद, इस मरतबा फिर एक बार गुड लेंथ पर गेंद, फिर वही नतीजा और अब लौटते हुए संदीप। स्कोर देखा जाए 2 ओवर के बाद सीनियर 11 कसारा का 8 रन बिना कोई नुकसान। अब कहीं ना कहीं बड़े स्ट्रोक्स आने बहुत जरूरी है, 12 गेंदे और 38 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी ट्रैक पर गेंदबाज, द हार्ड हीटर, द बेस्ट ऑलराउंडर, वन इज द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर संतोष राउत। नीलेश रहेंगे स्ट्राइक पर, बने रहिए हमारे साथ, डोंट गो वे। तीसरी ओवर पहली गेंद, ओहो इस बार घनाघाति प्रहार, गेंद जाती भी मिड विकेट में 4 रन के लिए। ओहो वही कोशिश थी, बिल्कुल पैरों पर आगे लगी है गेंद, बनी सिर्फ सिंगल, स्ट्राइक को किया है रोटेट, न्यू बैट्समैन स्ट्राइक एंड पर श्रीशांत, सुशांत है।
एक तेरी तो एक मेरी, पहली गेंद पर चार आया, फिर दूसरी गेंद डॉट यानी सिंगल आई है लेग बाय के रूप से। बल्लेबाज को जब तक आप रूम नहीं दोगे वो धूम नहीं मचाएगा। ये स्कोर, ये टारगेट अब बहुत बड़ा लगता हुआ, पर पीछा किया जा सकता है अगर हर ओवर में तीन ब्लास्ट आए तो। ओहो, इस मरतबा अच्छी गेंद, बल्ले का किनारा लगकर गेंद डिक्ले जोन में जाती हुई। इसी सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 14 रन। नीलेश संतोष राउत अच्छी गेंदबाजी करते हुए। और की अगली गेंद, अभी भी उम्मीदें जिंदा है। ओह, उम्मीदें जिंदा है, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या कैच है, व्हाट अ कैच, हौसला अफजाई होगी, एक बड़ा झटका लगता हुआ, शोर मचाते हुए खिलाड़ी। दस्त मुकाबला है, पर यहाँ पर हार नहीं मानेंगे क्योंकि बल्लेबाजी में अभी भी गहराई है। अगर इस ओवर में अच्छे स्ट्रोक्स आते हैं, अगर दो गेंदें बची हुई है, दो गेंदों पर अच्छे स्ट्रोक आते हैं तो ये मैच आसानी से चेस हो सकता है। 8 गेंदें 32 रन, ये इक्वेशन है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नीलेश स्ट्राइक पर रहेंगे। ये संतोष राउत है, क्या किस्मत साथ दे रही है, जबरदस्त। कल करे सो आज कर, आज करे सो आप, जो कुछ करना है वो आज करना है, अभी करना है। इस वक्त उड़ाया था इस गेंद को, काफी देर हवा में थी ये गेंद और नीचे फील्डर नीलेश बैक टू द पवेलियन। बॉलिंग मार्क पर और की आखिरी गेंद। ओहो, इस बार उछाल दिया गेंद, कई बार आसमान में, हाई एंड हैंडसम। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी अक्सर मुकद्दर बन जाती है। स्कोरबोर्ड देखा जाए 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर धर्मवीर कसारा। तू कहां जाता है इसे सुपर से डुपर लीग, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आप सभी के सामने है। अब बची हुई 6 गेंदे हैं और 26 रनों की जरूरत। गेंदबाजी ट्रैक पर, गेंदबाज ज्ञानेश्वर। ओहो, इस बार उछाल दिया गेंद, कहीं हवा में है और डीप एक्स्ट्रा कवर पर, ये बढ़िया कैच, एक बड़ा झटका। अब बची हुई 5 गेंदे 26 रनों की जरूरत, ये इक्वेशन है।
देखो पिछला सीजन 2023 देखा जाए ना, सीजन 6 में मैन ऑफ द सीरीज के लिए, सीजन 5 में देखा जाए तो मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो खिलाड़ी था वो संतोष राउत था, उसी की ये टीम क्या जबरदस्त खेलती हुई, चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, हर तरफ बोलबाला रहा है आज के दिन में। अब 5 गेंदे बची हुई है पप्पू करोसिया के लिए, ये इनाम है योगेश उबाले के लिए, इनाम है पप्पू करोसिया इनकी तरफ से, 200 रुपए का RX6 के लिए। उछाल दिया इस गेंद को, हवा में थी ये गेंद, गेंद का पीछा किया जा रहा है, कवर का फील्डर आता हुआ गेंद को रोका, 2 रन आसानी से पूरे हुए, इसी 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड 22 रन। अब ये मुकाबला एक तरफा जाता हुआ, लेकिन आखिरी ओवर तक आया है ये मुकाबला। ओहो, इस मर्तबा कदमों का इस्तेमाल किया था, ओहो यहाँ विकेट जा सकता है और छोड़ दिया है विकेट को। अब इक्वेशन देखा जाए, 3 गेंदें बची हुई है, 24 रनों की जरूरत है, यहां कहीं गेंदबाज गलती कर बैठे तो मुकाबला आ सकता है, वरना ये धर्मवीर के खेमे में जाता हुआ मुकाबला। इस मर्तबा और फुलटॉस थी, स्विंग किया कारपेट के जरिए और फील्ड में डीप में फील्डर है, अच्छा रोका इस गेंद को, मिलेगी सिर्फ सिंगल, बस औपचारिकता बाकी है। चलो तैयार रहना है एकता कसारा और वेलुक टीम। कसारा क्रिकेट एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया हुआ कसारा प्रीमियर लीग 2024 में मैच नंबर 11। ओहो, इस मर्तबा एक हाई एंड हैंडसम जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन। रनों की जरूरत है। ओहो, बिल्कुल चढ़ में ये गेंद, इस मैच को जीता धर्मवीर कसारा ने, कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट मैच के लिए और हार्ड लक सीनियर 11 कसारा। एक अच्छा, दोनों लड़ाऊ टीम थी, बहुत अच्छी फाइट थी। चलो नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं, वेलुक और सामने रहेगी एकता कसारा।